कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक होंगे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चने की दाल। ये मैंने साफ करके धो के भिगो ली है पानी में। ये तकरीबन 250 ग्राम है। नमक चाहिए 1.5 चम्मच, लाल मिर्च पर 1.5 चम्मच, हल्दी आधा चम्मच, गरम मसाला आधा चम्मच, ज़ीरा आधा चम्मच, सूखा धनिया 1 चम्मच, 2 हरी मिर्च चाहिए हमें, 1 मीडियम साइज़ की प्याज चाहिए, लहसुन चाहिए, अदरक का 1 टुकड़ा चाहिए हमें। उसको हमने बारीक बारीक पीस लेना है। 1 दरमियाने साइज़ का टमाटर चाहिए और धनिया चाहिए गार्निश करने के लिए। ठीक है जी, इसमें हमने इसको पीस लेना है। अब हम तैयारी कर लेते हैं। पैन में हम कुकर में हम घी को गरम कर लेते हैं। जब घी गरम हो जाए तो इसमें हमने प्याज डाल देना है। घी गरम हो गया है, हमने इसमें प्याज डाल दिया है। अब प्याज को हल्की आग पे ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज ब्राउन हो चुका है। ये देखें, हमने लहसुन अदरक और हरी मिर्च का कूट लिया है। लाल मिर्च का धनिया डाला, ये हमने डाल दिया है। इसको उसके साथ हम थोड़ा सा पानी को ऐड कर देंगे। ठीक है, मसाला भून लें, इसमें टमाटर डाल दें। ये देखें जी, मैंने बीच में टमाटर डाल दिए। अब मैं इसको मज़ीद 5 मिनट के लिए और भूनूंगी। इसको तब तक भूनना है जब तक मसाला घी ना छोड़ दे और ये यकजान हो जाए। जितनी देर आप मसाले को भूनेंगे उतनी ही दाल अच्छी बनेगी। ये देखें, चम्मच को हिलाते रहना है वरना ये मसाला जल जाएगा, नीचे लग जाएगा। ये देखिए, मसाला भून चुका है और मसाले ने घी छोड़ दिया। अब इसमें हम दाल डाल देंगे। दाल जिसमें हमने भिगोई थी पानी, वो उसी में ही हमने इसको पानी समेत डाल देना है, क्योंकि हम सतह समंदर पे रहते हैं, यहाँ पे दाल जल्दी गलती है। पहाड़ी इलाके वाले और मैदानी इलाके वाले अपने ज़रूरत के मुताबिक पानी ऐड कर सकते हैं। मैंने कुकर को बंद कर दिया है और तकरीबन मैं 15 मिनट तक इसको बंद रखूँगी। 15 मिनट के बाद इसको खोलूँगी। प्रेशर को खोल देते हैं। लेमन डाल, जीरा और गरम मसाला डाल देंगे और गार्निश के लिए सबर चाहिए। अब मैं मज़ीद इसको 2 मिनट तक और पकाऊंगी ताकि ये जो पानी नज़र आ रहा है ये ड्राई हो जाए। ये बहुत ही लजीज और झटपट तैयार हो जाती है और बहुत मज़े की बनती है। ये देखें, मैंने इसको मक्खन से गार्निश थोड़ा सा कर दिया है। गरम गरम रोटी के साथ ये बहुत अच्छी लगती है, साथ सलाद हो तो क्या ही बात है। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।